श्री राम नवमी है और हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी पुलिस ऑफिसर्स 10,000 कांस्टेबल भाइयों और बहनों की तरफ से हैदराबाद के सभी सिटीजन्स को श्री राम नवमी की शुभकामनाएं। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी जिंदगी हमारे लिए एक संदेश है। आज जब हमारा पूरा शहर, पूरा स्टेट, पूरा देश और सारी दुनिया एक बहुत बड़ी कठिनाई के सामने से गुजर रही है, ऐसे मौके पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जिंदगी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। आप जानते हैं दोस्त, कितनी कठिनाइयों का सामना मर्यादा पुरुषोत्तम ने किया और हर कठिनाइयों को, हर चैलेंजेस को एक मर्यादा के तहत, एक आइडियल तरीके से उसको कैसे फेस करना चाहिए, उसका उदाहरण, एग्जाम्पल उन्होंने पेश किया। जंगल में रहना, वनवास में रहना, हर चीज की कहानियां आपको मालूम। आज आपसे और हमसे सबको यही उम्मीद है कि इसी मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी से हम लोग इंस्पिरेशन लें, ताकत लें। ऐसे समय में जब श्री राम की बात होती है तो उनके भाई श्री लक्ष्मण का भी जिक्र होता है, और जैसा कि आप जानते हैं, लक्ष्मण रेखा बहुत बड़ी चीज है। पूरी रामायण की घटना को अगर आप ध्यान में देखिए तो उसमें लक्ष्मण रेखा का बहुत बड़ा महत्व है। उस लक्ष्मण रेखा को सीता ने क्रॉस किया और वहीं से पूरा रामायण का हंगामा शुरू हुआ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींचें और उसके बाहर नहीं निकले। आज जब दूसरे देशों में, खासकर अमेरिका, इटली, स्पेन में ये COVID-19 वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, उसको रोकने का केवल एक यही तरीका है कि आप घर में रहें। आने वाले 15 दिन अगर हम इस COVID-19 वायरस को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचने दें तो हमारा शहर, हमारा स्टेट, हमारा देश इससे बच जाएगा। इसमें आप सबकी कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है। दोस्तों, ऐसे मौके में मैं एक चीज और भी आपको बताना चाहूंगा। क्राइसिस के समय में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर पेशेंस, हमारे अंदर सब्र, हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल कभी कभी कम होता है। सही इंसानियत की परीक्षा, उसकी टेस्ट ऐसे ही क्राइसिस के वक्त होती है। कल रात को मुझे 3-4 घंटे गांधी हॉस्पिटल में सभी लोगों से बात करने में लगा, सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी। जैसा कि आप जानते हैं, आज की तारीख में हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, सफाई कर्मचारी इतनी मेहनत करके हम लोग के लिए इस महामारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं। ऐसे क्राइसिस के समय हम लोग सब लोग मिलकर डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वो जो भी कह रहे हैं आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कह रहे हैं। इसीलिए मैं सभी पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स, उनके दोस्तों को अपील करता हूं कि ऐसे मौके में आप पूरे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को पूरी मदद करें, उनके साथ लड़कर, नियम कानून को फॉलो करके, रेगुलेशंस को फॉलो करके हम लोग को ये दिखाना है कि हैदराबाद शहर में हम लोग एक यूनिटी के साथ इस जंग से, इस युद्ध से लड़कर हमें जीतना है। आज मैं उन सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने घर के अंदर रहकर भगवान श्री राम की पूजा आराधना की। बाहर मंदिर आने की जरूरत नहीं है,
मुझे मालूम है भगवान श्री राम कितने बड़े कृपालु हैं, कितने बड़े दयालु हैं। आप घर से पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मुझे बहुत भरोसा है कि आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैलेंजिंग टाइम में हैदराबाद के सभी सिटीजन, हम लोग सब मिलकर इस जंग से लड़ेंगे और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से इसके ऊपर हम लोग विक्ट्री भी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद।